हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। रिलायंस जियो लगातार नए नए प्लान्स लाकर मोबाइल यूजर्स को अपनी तरफ खींच रही है। इस बीच अब रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स को झटका देने की तैयारी कर रखी है। अब कंपनी अपने यूजर्स पर नजर रख रही है, ऐसे यूजर्स पर जो एक दिन में 300 से ज्यादा कॉल कर रहे हैं। कंपनी उन यूजर्स पर नजर रख रही है जो अपने जियो नंबर का कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब रिलायंस जियो भी और कंपनियों की तरह ही डेली लिमिट को लागू कर सकती है, जैसे कि दूसरी कंपनियों में एक दिन में 300 कॉल और पूरे सप्ताह में 1200 कॉल से ज्यादा फ्री कॉल नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो इसके लिए चार्ज देना पड़ सकता है। अभी रिलायंस जियो की नजर ऐसे यूजर्स पर ही है जो इसका कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप भी अपने नंबर का कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके नंबर पर भी यह लिमिट लागू हो सकती है। अगर इससे बचना है तो अपने नंबर का कमर्शियल इस्तेमाल करना बंद करना पड़ेगा। कमर्शियल इस्तेमाल करने पर कंपनी के पास फ्री कॉलिंग बंद करने का अधिकार है। रिलायंस जियो ने अपने 4G फीचर फोन की डिलीवरी करनी शुरू कर दी है। इस फोन को कंपनी फ्री में दे रही है। इसके लिए बस एक शर्त है कि 1500 रुपए की सिक्योरिटी देनी है। यह सिक्योरिटी 3 साल बाद वापस कर दी जाएगी। पूरी सिक्योरिटी वापस लेने के लिए फोन में हर साल कम से कम 1500 रुपए का रिचार्ज कराना होगा, तभी 1500 रुपए वापस मिलेंगे। अगर आपने भी जियो फोन की प्री बुकिंग की थी और फोन आपके पास नहीं पहुंचा है तो आप पता कर सकते हैं कि आपका जियो फीचर फोन कहां पहुंच गया है। अपने जियो फोन का पता लगाने के लिए 1800890089000 पर कॉल करें। यहां कंप्यूटर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगेगा। यह वही नंबर होगा जो अपने फोन की प्री बुकिंग के दौरान किया होगा। जब आप यहां अपना नंबर डालेंगे तो आपको आपके फोन के स्टेटस के बारे में पता चल जाएगा। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।